तो आगे बढ़ते हैं। आदि नाम निष्मूल है और मंत्र सब छार। तो मैंने इसके ऊपर कहा था कि अखे पुरुष निज वृक्ष निरंजन उसकी डाला और तीनों देव शाखा वये और पत्ते सब संसार। तो यहाँ समझ लेना चाहिए बिना कही कि अखे पुरुष की जो भक्ति है, निअक्षर की जो भक्ति है, वही मूल है और बाकी सब नाम उसका अंश। अंश नाम से फिर आवे मूल नाम सतलोक सिदा। तो अंश नाम है, ये सारे अंश नाम है, जितने कोटि नाम हो गए, करोड़ों नाम हो गए, जितने आप जिसने गुरु के पास जाओगे ना उनके पास सबके पास अलग अलग मंत्र होगा, अलग अलग नाम होगा, कितने नाम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आदि नाम निज मंत्र है और मंत्र सब दार, कहे कबीर निज नाम बिना डूब मरियो संसार। अब यहाँ तो कड़क कानून हो गया। साहिब कहते जो आदि नाम जिसके पास नहीं है वो दूसरे मंत्र सब छोड़ दो, क्योंकि जीव का भला भी नहीं हो सकता। जीव 84 लाख जीवनों से छूट भी नहीं सकता। नीचे से देखो, जिसने गणेश का नाम जपा है रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके अड़ुज गया है, जिसने ब्रह्मा जी का नाम जपा है वो अभी उससे ज्यादा, गणेश से ज्यादा और सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसमें वो अड़ुज गया है। फिर जिसने विष्णु जी का नाम जपा वो वैकुंठ में अड़ुज गया है, जिसने शिव जी का नाम जपा शिव लोक में अड़ जाएगा, जिसने आगे और भी लोक है ना, तत लोक तक 14 लोक है, ऐसे लोक लोकांतर में अड़ गया, फिर आगे निरंजन निराकार का देश है तो अलग निरंजन में अड़ गया। इस तरह से उसके आगे पार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म का नाम है, उसकी धुने है उसमें अड़ गया, और जो सार शब्द है उससे पार है, उसे भी पार है। तो उस सार शब्द को ठीक गुरु के समक्ष बैठ करके निर्णय करके समझ करके आपको जानना है। और ऐसा भी है कि गुरु से शिष्य ऐसी प्रीति करे, कैसी, जैसे एक सीपी का उदाहरण आया था कि सीपी को जब अदर बूंद लेना होता है तो वो अपना मुख फैला करके बैठ लेती है, जब वर्षा होती है उसके मुख में पड़ती है और उसकी तृष्णा मिट जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही शिष्य और गुरु दोनों की लगन नाम में होनी चाहिए। गुरु जी भी ध्यान दे कि शिष्य भजन कर रहा है कि नहीं, और शिष्य भी ध्यान दे गुरु जी मुझे भेद दे रहे हैं कि नहीं, यानी भेद समझा रहे हैं कि नहीं, या मुझे समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं करने में कच्चा हूं तो सीधा रास्ता क्या हो सकता है, क्योंकि ये सब पूछी गुरु संतों के पास ही होती है। तो कहते हैं ताला पूछी प्रेम का गुरु जी खोल दिखाओ, बिना दर्श भई बावड़ी सतगुरु देव दीदारा। एक आरती में कहा खुल गए मिल गए कुछ ही खुल गए ताला और हृदय में हुआ उजियाला। तो इस तरह से युक्ति होना, युक्ति से काम होता है। बोले सतगुरुदेव कोई भी ताला है उसकी चाबी मिलते ही एक सेकंड में खुल जाए, अगर दूसरी चाबी डालोगे तो वो बहुत टाइम लगेगा, खुलेगा नहीं। तो इसलिए युक्ति और जो भेद गुरु से प्राप्त करो, ऐसा नहीं कि तुम गुरु के पास केवल जा करके जो है एक हाजिरी कर रहे, नहीं, कुछ भेद ले, कुछ ज्ञान ले, कुछ समझ ले, कुछ विवेक ले, साधना का तरीका ले, साधन करो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए सकत परलोक समारा। यहाँ तो इतना बता दिया नहीं कि आप इस नामों की जानकारी लो कि ये मंत्र का कौन सा देश है, इस मंत्र ये मंत्र कहाँ ले जाएगा। तब साहब ने तो एक बार में कह दिया, साहब सोचे ये कौन झंझट में पड़ेगा, उन्होंने कहा दिया आधी नाम निज सार है
और पूछ ले वो तुम हंस जिन जान्यो निज नाम को अमर भयो सो वंश। वो क्या अमर हो उसका वंश सब अमर हो जाए जिसने आदि नाम जाना। तो आदि नाम जाने के लिए अभ्यास तो चाहिए ना आपको, अभ्यास होना चाहिए गुरु से, गुरु की आत्मा से, सिस्ती आत्मा से प्रेम होना चाहिए। आगे कहते हैं आदि नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर सा निज नाम बिना यू मूढ़ मुआ संसार। निज नाम के बिना सब संसार डूब गया और डूब रहा भी है, इसलिए उस आदि नाम को प्राप्त कर लो। सतनाम निज औषधि, सतनाम निज औषधि और कोटिक कटे विकार, विषवाड़ी बिरकत रहे तो काया कंचन सार, काया कंचन सार। सतनाम की औषधि और इधर ध्यान दो, सतनाम एक दवाई है और इसको रात में 2 बजे लेने, जब सब सो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस समय पूरा आभा मंडल शांत हो जाता है। जब शांत हो जाता है और घर के चिल्लू बिल्लू, घर के बाल बच्चे हैं, सब मानो सब चले गए, एकदम शांति हो जाती है। इसलिए उस समय जब आप ध्यान करेंगे तो आपको जल्दी नाम का अनुभव होगा, आपको पता चलेगा मेरे अंदर क्या क्या नाम है, कितनी धुने आ रही है, कितना क्या हो रहा है। तो एकदम शांत होने पर, एकदम स्थिर होने पर आपको नाम की पहचान होगी। और वैसे आप नाम किसी भी समय चलो, किसी भी समय लेते रहो, ये तो एक्स्ट्रा में ही है। कोटि नाम संसार में जहां से मुक्ति न होई, आदि नाम गुप्त जब बिरला जाने कोई, सत नाम ने जो औषधि कोटि कटे विकार, विषवाड़ी विकत रहे काया कंचन सार। ये औषधि अंग लगी और अनेक उदरी दे, इस औषधि से अनेक रोगी हो गए, अनेक जीव मुक्त हो गए, उनका जन्म मरण का रोग मिट गया। यह औषधि अंग लगी अनेक उदरी दे, वो फेर कुपत करे नहीं तो औषधि ये, सत राम निज औषधि सतगुरु दी बताए, औषधि खाए पत रखे ताकि वेदन जाए। वेदन मतलब दर्द। सतनाम की औषधि खाकर उसके ऊपर क्या रखना है, पथ। पथ का मतलब प्रेज, ये शब्द सही है, प्रेज रखना। सतनाम का क्या प्रेज है पूछ लेना गुरु महाराज से भी, सतनाम का क्या प्रेज है। तो संत बताते हैं कि ये प्रेज से सतनाम परिपक्व जागृत होता है। सतनाम ने जो औषधि सतगुरु दी बताए, औषधि खाए पत्र के ताकि वेदन जाए, सतनाम विश्वास कर्म भरम सब पर हरे। कर्म रहेगा न कोई भरम रहेगा, सतनाम में शक्ति है, कर्म भरम सब पर हरे। सतगुरु पूर्वे आस जो निराशा आशा करे, सतगुरु पूर्वे आस निराशा आशा करे। जो निराश पद पे गया उसको भी सतगुरु जानते हैं, और जो आश पद में चल रहा है उसको भी सतगुरु जानते हैं। ये सतगुरु घट के अंदर ही होते, जान लेते हैं ये सुमिरन कर रहा है, ये भजन कर रहा है, इसकी क्या इच्छा है जान लेते हैं, या इसकी इच्छा नहीं भी है उसको भी जानते हैं कि जीव के अंदर कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ दर्शन की इच्छा है, अमरलोक की इच्छा है, आत्मा का ज्ञान जानने की इच्छा। सतनाम को स्मृता उद्रिया पतित अनेक, कई कारण नहीं छोड़िए सतनाम की टेक, सतगुरु साहिब की जय।